नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 23 मार्च शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले डालते हैं सिर के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के MSE बाबूराव ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा 29 और 30 मार्च को मोदी सरकार के खिलाफ होगा प्रदर्शन, मोदी की उड़ी नींदें। रमजान आते ही मुसलमानों के विरोध में उतरे हिंदुवादी संगठन, कर्नाटक में हलाल मांस पर बैन और दुकानों को हलाल सर्टिफिकेट नहीं देने की हिंदू संगठन ने उठाई मांग, मुसलमानों में भारी गुस्सा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM चीफ अश्विनी वैश्य का बड़ा ऐलान, कहा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM पार्टी। मुसलमानों को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में 6000 मदरसा पैरा टीचर्स की होगी भर्ती, गहलोत ने किया ऐलान, मुसलमानों में भारी खुशी। कनाडा से मोदी सरकार को बड़ा झटका, कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत बंसी पत्रकार से की मारपीट, तमाशा देखती रही पुलिस। दिल्ली के बजट को रोके जाने पर केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा ऊपर से नीचे तक अनपढ़ लोगों की जमा। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी की मन क्या के सामने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को एक और बड़ा झटका। बीजेपी के MLC बाबूराव ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में होंगे शामिल। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मोदी को आज एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी के MLC बाबूराव चिंचानसुर ने मंगलवार को बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबूराव 25 मार्च को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें चिंचानसुर बीजेपी के दूसरे MLC हैं जिन्होंने हाल ही के दिनों में भाजपा से इस्तीफा दिया है। इस महीने की शुरुआत में भाजपा के MLC पुतुन्ना ने भी बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस से पार्टी में शामिल हो गए थे। यानी कि लगातार कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नजदीक आते आते बीजेपी के सैकड़ों नेता बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जो कि मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका है। मन काल के ईशान अश्विनी वैश्य ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान, कहा 2025 में 50 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी AIMIM पार्टी। जो शपथ AIMIM चीफ अश्विनी वैश्य ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार समेत बिहार की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इस दौरान अश्विनी वैश्य ऐलान करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में AIMIM पार्टी 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि AIMIM सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और लोगों का भरोसा AIMIM पार्टी है। जिन विधायकों ने AIMIM पार्टी को धोखा दिया है उन्हें जनता बख्शेगी नहीं। अश्विनी वैश्य ने ऐलान करते हुए कहा कि आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM पार्टी 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में न सिर्फ किशनगंज बल्कि बिहार के दिग्गज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की योजना बनाई जा रही है और यहाँ से BJP, RJD और JDU का सुपड़ा शाप हम लोग करेंगे। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, 29 और 30 मार्च को मोदी सरकार खिलाफ करेंगी प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से बकाए का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर 29 और 30 मार्च को धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। CM ममता बनर्जी ने ऐलान करते हुए कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाली है जिसे इस साल भी मनरेगा के तहत 100 दिन के काम के लिए एक भी रुपया नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी से मुलाकात के बाद भी मोदी सरकार की ओर से अभी तक फंड नहीं आया है। मैं इस संबंध में लगभग 6 महीने पहले मोदी से मिली थी। इस दौरान मैंने विभिन्न मदों के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपए के भुगतान के लिए कहा था। इतना ही नहीं, जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर आए थे तब भी मैंने बैठक के दौरान ये मुद्दा उठाया था, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक पैसा नहीं भेजा है। ममता बनर्जी ने ऐलान करते हुए कहा कि मैं इसके विरोध में 29 और 30 मार्च को 2 दिन के लिए प्रदर्शन करूंगी। जो बड़ी अपडेट है इसी के साथ बड़ी की मन काल की निशानी मुसलमानों को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार का बड़ा ऐलान, प्रदेश में 6000 मदरसा पैरा टीचर्स की होगी भर्ती, अशोक गहलोत ने किया ऐलान। जो शपथ राजस्थान के कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में मुसलमानों को लेकर आज बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि राजस्थान में 6000 से ज्यादा मदरसा पैरा टीचर्स की भर्ती होगी। इसके अलावा अशोक गहलोत ने
उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की है। इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होगा, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने मुसलमानों को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद मुसलमान पूरी तरीके से खुशी के मारे झूम उठे हैं। 6000 पैरा टीचर्स की मदरसों में भर्ती होगी और उनको लगभग 25 से 30 हजार रुपए महीने दिए जाएंगे। के साथ भर की मन काल के शाम में रमजान आते ही मुसलमानों के विरोध में उतरे हिंदुवादी संगठन। कर्नाटक में हलाल मांस पर बैन, दुकानों को हलाल सर्टिफिकेट नहीं देने की हिंदू संगठन ने उठाई मांग। मुसलमानों में गुस्सा, जोशा पदे। कर्नाटक में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन उगादी त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इसी दिन मुसलमानों का पवित्र रोजा भी शुरू हो रहा है। अब ऐसे में एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन ने एक बार फिर से कन्न दिगाओं के सबसे बड़े त्योहार में से एक उगादी पर राज्य में हलाल मांस पर प्रतिबंध लगाने की भाजपा से मांग की है। ये मांग पहले हिंदू जन जागृति समिति ने की थी, जिसके अधिकारियों से कर्नाटक के हर नुक्कड़ पर हिंदू झटका मांस की दुकानों को बढ़ावा देने के लिए कहा है। वहीं मंगलवार को हिंदू जन जागृति वैदिक ने मांस की दुकानों को हलाल प्रमाण पत्र नहीं देने, हलाल मांस पर प्रतिबंध लगाने और उगादी उत्सव के दौरान हिंदुओं को झटका मांस प्रदान करने की मांग को लेकर बेंगलुरु जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। हिंदू संगठन ने बीजेपी से इस साल अपने चुनावी घोषणा पत्र में हलाल प्रमाण पत्र निषेध अधिनियम को शामिल करने का अनुरोध किया है। अधिवक्ता ने कहा कि यहाँ पर हलाल मांस पर पूरी तरीके से बीजेपी वैन लगाए, हम पूरे कर्नाटक को हलाल मुक्त बनाना चाहते हैं। इन हलाल प्रमाणित दुकानों से करोड़ों रुपये भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हम इस पर एक विस्तृत जांच चाहते हैं, इसलिए यहां पर हलाल मांस पर वैन लगाया जाए और झटका मांस को अनुमति दी जाए। जो दोस्तों किस तरह से रमजान आते ही हिंदुवादी संगठनों ने कर्नाटक में अपना आतंक मुसलमानों के खिलाफ मचाना शुरू कर दिया। मन काल कृष्ण दिल्ली का बजट रोके निशाने पर केजरीवाल का भाजपाइयों पर जोरदार हमला, कहा ऊपर से नीचे तक अनपढ़ लोगों की जमा चूं सपदें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट विवाद पर मंगलवार को दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऊपर से नीचे तक अनपढ़ लोगों की जमात है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कल खबर चल रही थी कि इंट्राफ्रेक्चर से ज्यादा बजट विज्ञापन का है, जबकि इंट्राफ्रेक्चर का बजट 20,000 करोड़ रुपए और विज्ञापन का 550 करोड़ रुपए है। ऊपर से नीचे तक अनपढ़ों की जमात है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज तक दिल्ली का बजट सदन में पेश किया, आज बजट में पेश किया जाना था, लेकिन मोदी सरकार ने उस पर रोक लगा दी और आज हम मंगलवार बजट पेश नहीं कर सके। ये केवल संवैधानिक संकट नहीं है, ये संविधान पर हमला है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ दिल्ली का बजट मोदी सरकार को भेजा जा रहा है। वैसे तो हम इस परंपरा का पालन करते हैं, लेकिन पहली बार इस तरह की दखलअंदाजी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के सामने। दरअसल बीजेपी सरकार से दिल्ली में बजट पेश करने को लेकर अनुमति केजरीवाल सरकार को नहीं मिली। इसी पर आज केजरीवाल ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है और कहा कि ऊपर से नीचे तक अनपढ़ लोगों की जमात है। इसी के साथ परी की मनकाल कृष्ण कनाडा से मोदी को बड़ा झटका, कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतवंशी पत्रकार से की मारपीट, तमाशा देखती रही पुलिस, चौंसा पदे। कनाडा में पत्रकार के साथ खालिस्तानियों द्वारा बदसलूकी का मामला सामने आया है। कनाडा में भारतीय मूल के पत्रकार समीर कौशल को सोमवार शाम ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। कौशल ने ट्वीट कर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वह भारतीय उच्च युक्त की यात्रा को कवर करने के लिए सरे में थे, जहां यहां एक खालिस्तानी समर्थक समूह ने उन्हें धमकी दी और उनके साथ मारपीट की। उन्होंने आगे लिखा कि अपने पंजाबी बोलने वाले दोस्तों या सहकर्मियों से पूछिए कि वो यहां कैसे अपमानजनक और शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों किस तरह से अपडेट निकल के सामने, क्योंकि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को लगातार यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस दबिश डाल रही, उसके समर्थकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी से अब खालिस्तानी समर्थक और देशों में पूरी तरीके से भड़क उठे हैं और लगातार हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, भारतीय हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। कृष्ण कांग्रेस नेता ने वीडियो शेयर कर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी ने देश में खड़ी की जुमलेबाजी की मारा, चौंसा पदे। कांग्रेस ने बीजेपी आईटी सेल पर पलटवार करते हुए आरोप लगाए कि पीएम मोदी ने देश में जुमलेबाजी की इमारत खड़ी कर दी है।
बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और कांग्रेस के बीच ट्वीट को लेकर ठन गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस ट्वीट को लेकर मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाती लोगों के समक्ष झूठ परोसने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में जुमलेबाज की इमारत खड़ी की है। महिला कांग्रेस के प्रमुख नेता डिसूजा ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें दिखाया गया है कि स्वच्छ भारत, कल्याण गरीब कल्याण, इंद्रधनुष, स्वच्छता, बीमा, मोबाइल बैंकिंग, पीएम आवास योजना, काशी कॉरिडोर, बेटी पढ़ाओ और विदेश नीति के नाम पर देश को ठगा जा रहा है, इसलिए जनता पीएम मोदी को केंद्र की सत्ता से हटाने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर, पेट्रोल की डीजल के दाम महंगे, इसलिए जनता सबक के बीजेपी को सिखाएगी। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने आरएसएस पीएम मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी और आरएसएस को लगता है कि वो ही भारत में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन पर हमले का मतलब भारत पर हमला नहीं है। हाँ, लेकिन भारत के स्वतंत्र संस्थाओं पर हमला करके वह भारत पर हमला जरूर कर रहे हैं। जो उस पर अपडेट निकल के साथ